हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, एज यू नो वी आर रीडिंग अवर 9th चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन विच वी लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, हमारी हेल्थ पर क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन अवर लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स। हमारी लास्ट क्लास में हमने एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और उनके हमारी हेल्थ पे, हमारी लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होता है, इवन ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स पे, एनिमल्स पे इनका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट सॉइल और लैंड पॉल्यूशन। हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड नॉइस पॉल्यूशन के बारे में यहाँ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशन होता है एयर लैंड वाटर में किसी भी हार्मफुल और अनचाहे कंटेमाइंस का या सब्सटेंट का मिक्स हो जाना। क्या होता है पॉल्यूशन, एयर में, वाटर में और लैंड में हार्मफुल सब्सटेंस का मिक्स हो जाना ही जो है वो पॉल्यूशन होता है। वो ये सब्सटेंस क्या कहते हैं, एयर और वाटर और लैंड को जो है पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, डर्टी बना देते हैं। सो जब इस तरह के सब्सटेंस एयर, वाटर या लैंड में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज लैंड और सॉइल पॉल्यूशन। द लैंड और सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट such as plastic bags, glass bottles and metal containers on the land. Soil or yeah, land pollution क्या होता है, जब solid waste का meaning ऐसा waste या ऐसी गंदगी या ऐसा कचरा जो time के साथ गलता नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो as it is ही रहता है। क्या होता है सॉलिड वेस्ट, ऐसा कचरा जो टाइम के साथ साथ गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, बल्कि ऐसा का ऐसा ही रहता है। ऐसे सॉलिड वेस्ट का जब ऐसा सॉलिड वेस्ट या ऐसा कचरा जब ज़मीन में, मिट्टी में दफन हो जाता है, धस जाता है, घुस जाता है, तो वो क्या करता है, तो वो लैंड और सॉइल को पॉल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो उन पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है, हाँ अगर हम उन्हें जलाते हैं तो वो अपना शेप बदल लेते हैं, बट वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो जो है पिघल जाते हैं और अपना शेप चेंज कर लेते हैं, बट वो लोग पूरी तरह से, जो प्लास्टिक होता है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। सेम उसी तरह से जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इन पर पानी का कोई असर नहीं होता है, ये गलते सड़ते नहीं हैं। तो जब प्लास्टिक बैग्स जो है ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लंबे टाइम तक एज इट इज़ ही रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बट जो सॉइल है उसको जो नेचुरल मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, जो आपको मैं बता दूं कि जो मिट्टी होती है उसको फर्टाइल होने के लिए भी वाटर एंड एयर दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब प्लास्टिक का कवर अप, एक प्लास्टिक का कवर अगर हम मिट्टी के ऊपर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उस मिट्टी को ना तो मॉइस्चर मिलेगा, जैसे बारिश वगैरह हो रही है तो बारिश की नमी जो है वो मिट्टी तक नहीं जाएगी, प्लस एयर से और बाहर से जो भी उसको मिलना चाहिए नेचुरल मिनरल्स वगैरह वो भी नहीं मिलते, और क्या होता है ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस तरह का जो सॉलिड वेस्ट जब ज़मीन में दफन हो जाता है, धस जाता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी को ख़राब करता है, बंजर करता है, जिसे हम लैंड या सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। और सेम उसी तरह से मेटल के कंटेनर्स और ग्लास बोटल्स का भी यही होता है, ये भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, ये भी ज़मीन में धस जाते हैं। और मेटल तो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम के साथ धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे वो ज़मीन में जो है मेटल जो है ख़राब होकर ज़मीन में मिक्स हो जाता है, बट प्लास्टिक और ग्लास जो है एज इट इज़ ही रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता और ये ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। और ख़राब करने से मतलब मिट्टी, ज़मीन को जो है बंजर बना देते हैं, उसका जो
उसकी जो टेक्सचर होता है फर्टाइल का वो ख़त्म हो जाता है, उस पर हम प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर हम ऐसी ज़मीन पे प्लांट ग्रो करेंगे जिसमें प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल जो है वो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो आगे तक नहीं फैल पाएगी, और जो प्लांट्स को प्लांट जो मिट्टी से मिनरल्स और एयर जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं वो उन प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा, और प्लांट जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएगा वो प्लांट। इसलिए ऐसी ज़मीन को हम क्या कहते हैं, बंजर ज़मीन कहते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लैंड सॉइल पोल्यूशन आर, जो मेन सोर्स होते हैं यानी जो मेन रीज़न या कारण होते हैं सॉइल और लैंड पोल्यूशन के, वो होते हैं सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज फ्रॉम माइंस, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। जो सॉलिड वेस्ट होता है जो माइंस से यानी जो जमीन फैक्ट्रीज होती हैं माइंस होती हैं उनसे जो या खान वगैरह जो होती है उनसे जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसकी वजह से जो है जो ज़मीन होती है वो ख़राब हो जाती है। लाइक माइंस से आप देखिए, माइंस से भी कई सारे सॉलिड वेस्टेज निकलते हैं। हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज से भी क्या होता है, बहुत सारा ऑयल वगैरह गंदगी जो है वो निकलती है और ज़मीन में जो है वो सीज हो जाती है, मतलब ज़मीन जो है ना ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसका उसके जो फ़ायदे हैं उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने लग जाती है टाइम के साथ साथ। तो ये सब क्या है, लैंड और सॉइल पोल्यूशन के रीज़न हैं। नाउ हमने लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन तो पढ़ लिया, बट इससे हमें क्या नुकसान है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, द इफ़ेक्ट ऑफ लैंड और सॉइल पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल। लैंड पोल्यूशन से क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है यानी बंजर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लैंड पोल्यूशन से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो उसका उपजाऊपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बंजर हो जाती है। लैंड पोल्यूशन क्या करता है, लैंड को या सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है। द टिनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल एंड एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड वेजिटेशन। इसके अलावा इट हार्म्स द टिनी ऑर्गेनिज्म्स, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनाने में पेड़ पौधों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो भी इस पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ सॉइल में जो है ना प्लांट की ग्रोथ होती है, उस मिनरल्स पाए जाते हैं तो वो भी जो जिसकी वजह से प्लांट जो ग्रोथ करता है, मिट्टी में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, तो वो मिनरल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और इसका सीधा सीधा असर प्लांट की ग्रोथ और वेजिटेशन पे पड़ता है। तो इस तरह से ये भी सॉइल और लैंड पोल्यूशन भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन इज नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए हिंदी टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ मतलब ध्वनि आवाज़, ठीक है। तो अब आवाज़ और ध्वनि प्रदूषण का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी इतनी आवाज़ या इतना साउंड हमारे आसपास होना जो हमारे कानों के लिए, हमारी सुनने की जो ताकत होती है उसके लिए अच्छा ना हो, हमारे कानों को हमारे सुनने की जो पावर होती है हमारी लिसनिंग पावर को ये डैमेज करे, तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा का ज़्यादा आवाज़ या शोर का होना। इंडस्ट्रियल एरियाज आर मोर प्रोन टू नॉइज़ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो जिनकी चलने की वजह से जब उन मशीनों से काम किया जाता है तो उनसे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है आती हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ नॉइज़ इन द एटमोसफेयर इज़ कॉल्ड साउंड। और जो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में हम लोग जो प्रेशर फील करते हैं नॉइज़ का, आवाज़ का, उसे साउंड कहा जाता है और नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है, या तो उसे क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं या फिर नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन हियर द
softest sound with an intensity of 20 decibels. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके कानों के लिए सॉफ्ट साउंड का होना बहुत ज़रूरी होता है. हमारे जो कान हैं, हमारे जो सुनने की क्षमता है उसके लिए 20 डेसिबल. डेसिबल क्या होती है? ये यूनिट होती है साउंड को मेजर करने की. डेसिबल क्या होता है? डेसिबल जो है यूनिट होती है जिससे हम साउंड को मेजर कर सकते हैं, आवाज़ को नाप सकते हैं कि कितना साउंड हमारे आसपास जो है हो रहा है या कितना शोर हमारे आसपास हो रहा है. और हमारे जो सुन हमारे कानों के लिए जो सबसे सही जो साउंड की अमाउंट होती है या मात्रा होती है वो होती है 20 डेसिबल. यानी 20 डेसिबल तक हम लोग जो है अच्छा साउंड मानते हैं हमारे कानों के लिए, वो अच्छा होता है. बट अगर इससे ज़्यादा साउंड हो या इससे दुगना तिगना साउंड होता है तो वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है. एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स. और कोई भी ऐसा साउंड जो 90 डेसिबल, देखिए हमारे सुनने के लिए 20 डेसिबल सबसे बढ़िया होता है, बट हम 30, 40, 50 तक भी ठीक है चल जाता है, क्योंकि हम जैसे पार्टीज़ वगैरह में डीजे वीजे बजता है, शोर होता है, तो हम उसे भी तो सुनते ही हैं ना, तो ये भी चल जाता है. बट 90 डेसिबल से ज़्यादा अगर हमारे कानों को साउंड मिलता है या हमारे कानों में 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड हमारे कानों तक जाता है तो ये हमारे कानों को, हमारे ईयर्स को हार्म करता है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है. द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय द व्हीकल, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर मशीन्स एंड लाउड म्यूज़िक. और ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? व्हीकल्स, आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल्स में हॉर्न होते हैं, जब हम किसी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन जो है वो भी बोलता है, तो उससे भी साउंड क्रिएट होता है, प्लस उसमें हॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे आसपास नॉइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है. प्लस एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में भी आप देखिए एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वॉइस क्रिएट करता है, उससे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है जो भी नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ावा देता है. प्लस लाउड स्पीकर, डीजे साउंड, ये जब हम यूज़ करते हैं तो इससे भी लाउड नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है. प्लस मशीन और लाउड म्यूज़िक की वजह से भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है. तो ये दीज आर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ये सब क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज हैं. इफ़ेक्ट, अब हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है नॉइज़ पोल्यूशन का? इट इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द ईयर एंड हार्ट. ये हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. लाइक हम जब बहुत ज़्यादा साउंड सुनते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हमारे आसपास होता है, तो सबसे पहले तो हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. क्या होता है? हमारे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से हम अपने आप को बीमार फील करते हैं. प्लस ये हमारे कानों को भी हार्म करता है. हमारे कई बार ज़्यादा शोर की वजह से हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है. एंड इसके अलावा हार्ट पर भी इसका बहुत गलत असर होता है. कोई हार्ट पेशेंट देखेंगे कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसके आदत बहुत ज़्यादा शोर शराब हो रहा है, तो उसको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जो साउंड पोल्यूशन है वो हमारे ईयर्स और हार्ट को भी नुकसान पहुँचाता है, प्लस हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है. तो एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़ पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. इसलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टूडेज क्लास. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye-bye.